डिड यू नो जो इंसान कम खाना खाता है उसको हम पुअर हेल्थ की कैटेगरी में रखते हैं, और जो इंसान ज्यादा खाना खाता है उसको भी हम पुअर हेल्थ की कैटेगरी में रखते हैं। जो इंसान एडिक्वेट अमाउंट में खाना खाता है, बैलेंस मील करता है, उसी को हम कह सकते हैं वो गुड हेल्थ में है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड आई स्पीक अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, और मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिक आइडिया देने वाला हूँ डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, आपके मुंह के अंदर जब खाना जाता है उसके बाद उस खाने का क्या होता है, वो कैसे सिंप्लीफाई होता है, उस खाने का क्या प्रोसेस होता है, बॉडी उसको कैसे डाइजेस्ट करती है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन की स्टडी कहते हैं। एक और बात है, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, खाने के और भी फंक्शंस होते हैं, खाने के साइकोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, खाने के सोशल फंक्शंस होते हैं, खाने के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, खाना आपके साइकोलॉजिकल फंक्शंस को भी ऑल्टर करता है। माने कि क्या आप खाना हैप्पी होके खा रहे हो, क्या आप खाने से आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आपके मनपसंद खाना मिलता है तो आपको खुशी होती है ना, वो होता है साइकोलॉजिकल फंक्शन खाने का। क्या आप खाना सिर्फ खाने के लिए खाते हो, अपना पेट भरने के लिए खाते हो, वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है खाने के। तो खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाने के साइकोलॉजिकल फंक्शन भी है, खाने के सोशल फंक्शन भी है। सोशल फंक्शन कैसे, खाना बहुत सारे सोशल फंक्शंस में भी सेलिब्रेट किया जाता है, खाना वेडिंग्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है, खाना ट्रेडिशंस में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हम देखते हैं कि गुरुद्वारा में हम लोग को फ्री में खाना मिलता है, लंगर मिलता है, तो वो भी एक तरीके का प्रसाद होता है जो हम लोग को दिया जाता है। तो खाने का ये एक सोशल फंक्शन होता है कि सोशली एक्सेप्ट करते हैं सबको, एक ही मानते हैं सबको, और सबको वही खाना दिया जाता है, तो वो एक और खाने का फंक्शन है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी, ओवरऑल बॉडी कैसे काम करती है, वो भी खाने से ही काम करती है। एक रियलाइजेशन मुझे हुआ था कि हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, आधे से ज़्यादा सिस्टम खाने के लिए ही बना हुआ है, माने कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ही बना हुआ है। मोर ऑन दैट लेटर, लेकिन पहले बात करते हैं कि खाने के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं। अगर आप कम खाना खाते हो तो फिर आप अंडर नरिश कैटेगरी में आते हो, अगर आप ज़्यादा खाना खाते हो तो आप ओवर नरिश कैटेगरी में आते हो। बोथ केसेस में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। ओनली एडुकेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में खाना खाएंगे और अपने सब कुछ कंसिडर करके सही रखेंगे, तभी आप फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग गुड हेल्थ में ही कंसिडर हो सकते हैं। ऑल्सो खाना, फूड आपको कैसे हेल्प करता है, आपको बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। सबसे मेन बात, हमको प्रोटेक्ट करता है वायरसेस और बैक्टीरिया से। हम अगर प्रॉपर खाएंगे तो अपने को वायरसेस और बैक्टीरिया से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खाना आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए। कैलोरीज काउंट करते हैं ना मॉडर्न साइंस में, तो वो क्या होता है, कैलोरी क्या होता है, वो एनर्जी के लिए ही काउंट किया जाता है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग खाने से ले रहे हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को दिन में चाहिए ही चाहिए। अगर हम पूरे दिन लेटे भी हुए हैं, एक BMR होता है, उतना तो अपने को चाहिए ही चाहिए होता है अपना बॉडी फंक्शन करने के लिए, जो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। हम लोग हार्ट डायरेक्टली नहीं चलाते, अपने आप पंप होता रहता है, ब्रेन अपने आप चलता रहता है, वेन्स अपने आप चलती रहती हैं, तो ये सारे के लिए भी एनर्जी चाहिए ना, तो खाना अपने को एनर्जी देता है, और खाना अपना बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इतने सारे फंक्शंस हैं खाने के। तो खाना एक वो नहीं है कि हाँ भाई मैंने आज के दिन में ये खा लिया, आज के दिन में ये खा लिया, आज बाहर से खा लिया, आज ये खा लिया। खाने के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। यही है स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जो न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहे हैं और जो आपको बता रहे हैं। मेरा काम क्या है, आपको इन्फॉर्म करना, आपको नॉलेज देना ज़्यादा से ज़्यादा फूड से रिलेटेड, और ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिए अभी के अभी। मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कौन से ऐसे फूड हैं जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं और कौन से ऐसे फूड हैं जो आपको वीक करते हैं, तो वो वीडियो आई बटन में जाके ज़रूर देखिए। ऑन द पैरेलल लाइन, डाइजेशन भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो एक्चुअल डाइजेशन होता है खाने का, दूसरा अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक प्रोसेस है। यहाँ पे आपको अभी एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा होगा, वहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि खाने कहाँ से जाता है अंदर, आपका माउथ, उसके बाद जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको ईसोफेगस कहते हैं, उसके बाद स्टमक पे जाता है, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है, और फिर एक्सक्रीट हो जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। माउथ का क्या काम होता है, माउथ अपने मुंह में जब खाना जाता है तब वो छोटे छोटे पार्ट में खाने को
छोटा कर देता है और छोटा छोटा कर देता है, आपके दांत खाने को छोटा छोटा कर देते हैं, और क्या करते हैं सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं, जो डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। पेट के अंदर जब वो खाना जाता है तब वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो खाने को और ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से कनेक्शन है आपके माउथ से लेकर स्टमक तक का। और उसके बाद कहाँ जाता है, वो जाता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में बहुत सारे ऐसे जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जहाँ पे खाना मिक्स होता है, खाना वो फर्दर मोर ब्रेक डाउन होता है वहाँ पे। लिवर और पैनक्रियाज डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करते हैं डाइजेशन में, लेकिन वो इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, माने कि वो ऐसे जूसेस सेक्रीट करते हैं जिससे आपको डाइजेशन में और आपका फूड को न्यूट्रिएंट्स बनाने में हेल्प मिलती है। उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको विली कहते हैं। विली आपके खाने को ले लेती है अंदर, आपके उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में उसको अंदर ले लेती है, वो ब्लड के थ्रू वहाँ पहुँचा देती है, वो हो जाता है फिर अब्सॉर्प्शन। और उसके बाद जो खाना रेस्ट बचता है वो बहुत सारे पानी के साथ चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द वाटर चला जाता है आपके बॉडी में वापस, और जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट रहता है, जो खाली प्रोडक्ट रहता है, जो सॉलिड मैटर रहता है, उसको फिर एक्सक्रीट कर देती है बॉडी। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस डाइजेशन का कि कैसे काम करता है, खाना यहाँ से लेके बाहर कैसे निकलता है, ये पूरा प्रोसेस था। अभी अब्सॉर्ब कैसे होता है खाना, जैसा मैंने आपको बताया था कि खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे अब्सॉर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे भी वही है कि अब्सॉर्ब वहीं से होता है, वहाँ से आपके ब्लड में चला जाता है जो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। अभी खाना सिर्फ रोटी सब्जी नहीं हो गया है, अभी खाना हो चुका है अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, मिनरल, विटामिन, इन सब में ब्रेक डाउन हो चुका है। अब वो खाना ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे चला जाता है, और वहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाता है यूटिलाइजेशन। वो क्या करता है, खाने को जहाँ पे चाहिए, न्यूट्रिएंट्स को जहाँ पे चाहिए, जिस भी सेल में जिसकी ज़रूरत है, किसी को ग्लूकोज की ज़रूरत है, किसी को अमीनो एसिड की ज़रूरत है। मान लो कि अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, आपको अपने मसल्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए आपको अमीनो एसिड चाहिए, बेसिकली प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन जब आप अंदर लोगे, चिकन जब आप अंदर खाओगे लोगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द सर्टेन जूसेस विच आर एक्सक्रीटेड। उसके बाद जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू चला जाएगा आपके ब्लड में, ब्लड से वो आपके मसल पे आ जाएगा, तब जाके आपका मसल ग्रो करेगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, जिसमें अब्सॉर्प्शन भी हो गया, यूटिलाइजेशन भी हो गया। अगर आपको जानना है कि ये तो हमने अंदर ले लिया, खाना अंदर चला गया हमारे अंदर और अब्सॉर्ब हो गया, लेकिन एक्चुअली में अपना वेट जब हम लोग लूज करते हैं वो वेट जाता कहाँ है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है कि वेयर डज द फैट गो, एक्चुअली में वो जाता कहाँ पे, वो वीडियो भी जरूर आप आई बटन में चेक करें। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज के लिए मेरे को लाइक करें, इस वीडियो से मेरे को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हो, अगर आप किसी बात से एग्री करते हो, अगर आपको एक वेट लॉस डाइट प्लान चाहिए तो मेरे को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेजिए। थैंक यू सो मच।